नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने साइबर सिक्योरिटी के विभिन्न मुद्दों पर की मालवा मिरर से बात। मालवा मिरर के लिए राजेश जौहरी की खबर। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत आज MCT में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए महू पहुंचे। इस अवसर पर साइबर सिक्योरिटी जैसे देश और दुनिया के लिए अहम मुद्दे पर आपने मालवा मिरर के एडिटर राजेश जौहरी से बात की। आइए देखते हैं क्या कहा जनरल पंत ने। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, जो कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर हैं अपने देश के। आज साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत ही अहम मुद्दा बन चुका है न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के लिए, उसके बारे में हम जनरल पंत से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो साइबर स्पेस है वो सुरक्षित है, जो हम लोग कहते हैं सेफ और सिक्योर है। वो कैसे है कि हम लोग की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी बनी हुई है, पुरानी है 2013 की, जिसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं। एक नई स्ट्रेटजी हम लोग बना रहे हैं जो कि जनवरी 2020 में रिलीज़ होगी, जिसमें कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे बिजनेस हो, सब के लिए उसमें एक कैसे प्रोटेक्ट होंगे वो, उसकी हमने स्ट्रेटजी बनाई है। तो ये मैं देश को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जब तक आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तब तक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई ना कोई आप तक पहुंच सकता है। अब जैसे मोबाइल फ़ोन है, आप किसी को रोक नहीं सकते कि आपका वो नंबर डायल करे कि नहीं करे। अब वो डायल करने के बाद आप उसका क्या करते हैं, उससे बात करते हैं या कट कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये जब तक आप इंटरकनेक्टेड हैं इंटरनेट में, आप तक कोई ना कोई पहुँच सकता है। अच्छे लोग भी हैं उसमें, बुरे लोग भी हैं, और बुरे लोग जब आपके पास पहुँचते हैं तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपने समझना है कि आपने क्या करना है। कोई आपको ईमेल आ रही है जो आपको पता नहीं है, वो आपने एक्सेप्ट नहीं करनी है। उसी हिसाब से कोई अगर कोई लिंक कोई भेजता है उसमें क्लिक नहीं करना है, और इस तरह से कोई ट्रैप में नहीं फंसना। ये तो इंडिविजुअल वाली बात है। बाकी आजकल बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, आजकल तो स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स हो रहे हैं और रैनसमवेयर हो रहा है, क्रिप्टो जैकिंग, बॉम जैकिंग, फिशिंग अटैक्स, इस तरह की बहुत अलग अलग चीज़ें हो रही हैं जिसमें जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। बट मेरी सलाह तो ये रहेगी कि अपना जो एक मोबाइल फ़ोन है, एक तो उसमें आप लोग एंटीवायरस डालिए, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, फ्री वर्जन भी आता है और 500-600 रुपये का एक पेड वर्जन भी आता है, तो उसमें एंटीवायरस डालिए, क्योंकि उसमें आप लोग बैंकिंग के ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो डालना ज़रूरी है। और उसके अलावा अपना मतलब बड़ा केयरफुली यूज़ करिए, कोई स्पेशली सोशल मीडिया में, क्योंकि वहीं से लोग पता लगाते हैं आपके बारे में, उसमें कौन आपके दोस्त हैं, क्या आप शेयर कर रहे हैं, उसमें ज़रा केयरफुल रहिए। दैट विल बी माय एडवाइस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।